शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आती है, अभी भी देख ले सारे के सारे ना श्रद्धा का दुखड़ा सुनने लगे हैं। पता नहीं इतनी जल्दी सबकी चहेती कैसे होगी है वो। बे यार तेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुरानी अपनी सास के बारे में चुगली कर रही हो। बहुरानी अब चले, अब दिवाली की शॉपिंग कर ले, चल हट। मेन मार्केट तो आ गया, तूने बाइक क्यों रोक दी अभी सर? वो क्योंकि मुझे यहीं उतरना है। एक काम कर, तू जाके शॉपिंग स्टार्ट कर, मैं तेरे को मिलता हूँ। तू जा ना, तेरे को मिलता हूँ मैं। तू शॉपिंग स्टार्ट कर, मैं आकर बताता हूँ। लेकिन जा रहा मैं। घर पर नौकर और यहाँ चौधरी बना घूम रहा है, चल क्या रहे? हट। चलने से पहले ही गाड़ी पंचर, फिर से हार गया। माल है जेब में कुछ गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, या हो गए टाइम टाइम फिक्स है ना? पैसा बांटो ना तुम। घर पर बर्तन गंदे पड़े हैं और तू यहाँ पत्ते खेल रहा है। और ये पैसे, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी किया ना तूने? अरे नहीं भैया, दस्ती दस्ती खेल रहा हूँ। देखो ना, देखो ये मेरे खुद के पैसे हैं। तेरी शक्ल पर मक्कारी ना मैंने पहले दिन ही देख ली थी। अब फटाफट बता और क्या क्या गंदे शौक पाल रखे तूने? भैया शगुन के लिए खेल रहा था। अच्छा, शगुन पे ताश खेलते हैं? वाह भैया, सब खेलते हैं, पर उसमें गलत क्या है? बस लक्ष्मी माँ को थोड़ा सा प्रणाम कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करो, पक्का सब मजा आ जाएगा। चल चल, दिवाली पे गंदे काम करवाएगा मुझसे? हट। ऐसा भैया बुरा मत मानना, लेकिन लक्ष्मी माँ के सामने भीख मांगना अच्छा है या थोड़ा सा दिमाग लगा के माँ के आशीर्वाद से थोड़े से पैसे जीत ले? आप बताओ। और इसे ना सब शुभ मानते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई में से 2.5 लाख रुपए मुझे अभी के अभी दे दीजिए, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर नहीं दे सकते ना तो चुपचाप मुझे इस घर में बर्दाश्त कीजिए। जितनी जल्दी पैसे इकट्ठे कर लूंगा उतनी जल्दी उस श्रद्धा को अपने घर से बाहर निकाल सकते। डॉक्टर, घर में सबको ना बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दवाई का उन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। शांत होने की बजाय उनका गुस्सा, उनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, हम एक काम करते हैं, हम उनकी दवाइयों की डोसेज बढ़ा देते हैं। डोसेज बढ़ा देते हैं अब? लेकिन डॉक्टर, इससे अभय की सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब है ऐसे दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होता है ना, इसीलिए। उसकी सेहत की चिंता तो है सबको मैडम, अब देखिए कैसे आपका तेज दिमाग धीरे धीरे उसके दिमाग को सोते हुए देखेगा, पागल हो जाएगा और क्या। डॉक्टर नीरज, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ, एवरीथिंग ओके। आप इतना मत सोचिए मिसेस त्रिपाठी, हम पेशेंट के लिए वही करेंगे जो उसके लिए बेस्ट। एक काम करते हैं, हमें अभय के बिहेवियर में अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट नजर आई तो हम डोसेज कम कर देंगे। फिलहाल आप उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब बढ़िया ही होगा। बढ़िया तो होना ही था, अभय त्रिपाठी के पत्ते हैं ये। 3 बादशाह टेबल पर, तो जीत हुई इस बादशाह की। दिमाग पूरा साथ नहीं है, पर किस्मत देखो कैसे जोर मार रही है। जब से बैठा है जीत ही रहा है। अरे कहाँ चल दिए?
अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, लगे हाथ दो दो हाथ और खेल लेते हैं। अरे बैठो यार, बैठो बैठो। ज्यादा चहक रहे मतलब जीत का नशा, अब गलती करेगा। बढ़िया है, हरा हुआ सब वापस ले लूंगा। अब की बार बाजी मुझे बिछाने दो। ले भाई तू कर ले यार। इस बार की बाजी धमाकेदार होगी। कैसे? इस बार की बाजी जो जीता वो जीता और सारे पैसे उसी के। हम मैदान में उतर ही गए हैं तो डन। ये जीता तो मेरा सारा उधार चुकता। जिता दे जी का फोन। वो तो अभय के साथ थे। कहीं कहीं कुछ। हेलो वरुण जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अभय आप ही के साथ थे, उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना? अरे श्रद्धा तुम चिंता मत करो, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं बल्कि बिल्कुल चकाचक है। बल्कि वो तो मजे से नोट गिन रहा है। काश तुम भी देख पाती। नोट गिन रहे मतलब? बात यह है कि हमारे अभय भाई कुणाल और बाकी कुछ लफंडरों के साथ बैठ के जुए का खेल खेल रहा है। क्या? अभय जुआ खेल रहा है? अरे हाँ, और सिर्फ खेल ही नहीं रहा बल्कि हमारे होनार अभय भाई जीत भी रहे हैं। वरुण जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ उस कुणाल की वजह से हो रहा है। अब ये बात तो हमारे जुआ विजेता अभय भाई बता सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं अभी। नहीं, वरुण जी देखिए, अभय का इन दिनों जैसा मूड रहता है ना, वैसे में हम उन्हें सब कुछ बहुत प्यार से ही समझा सकते हैं। आप बस एक काम कीजिए, आप उन्हें जल्दी से जल्दी घर लेकर आ जाइए। ठीक है। अभय इन दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, इसी वजह से उनका दिमाग दूसरे दिशा में भटकता जा रहा है। अगर घर पे ये बात मम्मी जी को पता चल गई या घर में किसी को भी पता चल गया कि अभय जुआ खेल रहे, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे अभय के लिए कोई अच्छे से काम का पता करना होगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।